मुझे लगा नहीं था कि ब्रह्मचर्य को लेकर लोगों में इतनी जागरूकता है, जितनी आप लोगों ने कुछ ही दिनों में अच्छा रिस्पांस देकर दिखा दी। सच में आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। अच्छा लगता है ये देखकर कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बेताब हैं। आपका रिस्पांस मुझे मोटिवेशन दे रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही मैं ये अलग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके मन की सफाई करने वाला हूँ। आप इस टेक्निक का उपयोग शुरुआती दौर में वीडियो के माध्यम से करेंगे और फिर बाद में आप भी इस टेक्निक में महारथी बन जाएंगे। मेरे जीवन में जब घोर संकट के बादल छा गए थे, तब इस टेक्निक का उपयोग मैंने अपने मन की बाड़ाबंदी करने के लिए किया था। सरल शब्दों में समझे तो जब मेरे मन में अश्लीलता अनियंत्रित हो गई थी, दिन रात अश्लील विचार आते रहते थे, हल्का हल्का वीर्य रोज निकलता रहता था, तब मैंने मन को नियंत्रित करने के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया था। और आप लोग तो जानते ही हैं कि हर काम को करने की एक टेक्निक होती है। अगर किसी से अपना काम करवाना है तो तारीफ की टेक्निक से काम करवाया जा सकता है। ऐसे ही मन से अपने अनुरूप व्यवहार करवाने की एक टेक्निक है जिसे अफर्मेशंस कहते थे। शुरुआत में तो यह एक बोरिंग से काम है, पर एक बार आदत लग जाने के बाद यह खुद को कुछ भी बना लेने की एक शक्तिशाली टेक्निक है। अब अफर्मेशन होती क्या है? तो अफर्मेशन का मतलब है सकारात्मक विचार को दोहराना, और इसे टेक्निक इसलिए बोला है क्योंकि कब दोहराना है इसका भी नियम है। आप जानते होंगे अफर्मेशन ज्यादा इफेक्टिव होती है सुबह और रात के समय, क्योंकि इस टाइम हमारा माइंड अल्फा स्टेज में रहता है। अल्फा स्टेज मतलब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में डेटा ट्रांसफर होने का समय। ऐसे में आप जो भी विचार अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में कामयाब हुए, वो विचार आपके जीवन में विराट रूप लेकर परिवर्तन ले आएगा। ये सब एक तरह से खुद के दिमाग की कोडिंग करने जैसा है, और इसी में इंटरेस्ट तब और बढ़ जाता है जब इसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि आप अगर रोज रोज दोहराओगे और फील करोगे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ जाएगी और आप ऑटोमेटिकली अपना बिहेवियर ऐसा ही बना लोगे। धार्मिक पुस्तकों में विचार को भी कर्म बोला है, इसलिए ये सोचने की गलती न करे कि बिना कुछ किए कैसे सब कुछ होगा। जब विचार करना भी कर्म है तो उसका परिणाम भी आपको जरूर मिलेगा, और इसी के साथ आप सिर्फ उन्हीं विचारों को ग्रहण करने के योग्य हैं जिनको आप अच्छे से फील कर पा रहे हैं। जैसे अगर आप सोचे कि जैकलीन से मेरी शादी हो गई है, अब आप इस विचार को बार बार दोहरा कर आने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा ले, पर फिर भी आपके मन में उस हीरोइन के लिए स्वीकार्यता आ ही नहीं सकती, तो इसलिए वो सच नहीं हो सकता। पर जैकलीन नाम की कोई दूसरी लड़की जो आपकी कल्पना से मिलती जुलती है, हो सकता है आपकी शादी के योग उस लड़की से बैठ जाए। क्योंकि आपने कर्म तो किया है तो फल भी अवश्य मिलेगा। पर अगर आप बोलते हैं कि मेरा हर महीने 10,000 का प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो अब छोटी रकम के लिए आपकी स्वीकार्यता जल्दी आ जाएगी और इसके पूरे होने के चांस ज्यादा रहेंगे। ये हुई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात, और ये आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। हम यहाँ सिर्फ अफर्मेशन का उपयोग समझेंगे। सकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति अफर्मेशन कहलाती है। अब ब्रह्मचर्य के लिए इसका उपयोग कैसे करें? मैंने इसको ब्रह्मचर्य के लिए उपयोग किया। सुबह के टाइम 5 मिनट प्राणायाम करके मन को स्थिर किया और फिर उसे एक विचार दिया, जैसे मेरा मन पवित्र है। अब यह विचार में बार बार दोहराता था, मेरा मन पवित्र है। लगभग एक साथ 10 बार आराम आराम से धीरे धीरे खुद को बोलता था, जिससे ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान पवित्रता पर जाने लगा। जैसा कि हर लड़के की आदत होती है, कपड़ों को बहुत टाइम तक पहनते रहते हैं, महीने में एक बार जी सद होते हैं। मैं भी ऐसा ही था, पर अफर्मेशन के उपयोग से मेरे मन में पवित्रता जागी और मेरा मन ऑटोमेटिकली अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने को करने लगा। आज मैं एक कपड़े को एक बार पहन लेने के बाद धोता हूँ और फिर पहनता हूँ। ऐसे ही मैंने अफर्मेशन में जोड़ा कि मेरा काम वासना से मुक्त हो चुका है, मेरा मन काम वासना से मुक्त हो चुका है।
इसी विचार को सुबह उठने पर 10 से 20 बार बोलता और रात को सोने से पहले 10 से 20 बार बोलता। ऐसे में मन काम वासना से दूर भागने लगा और ऑटोमेटिकली सत्संग और ब्रह्मचर्य के वीडियो पर आटिका, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब मेरा 350 दिनों से अधिक समय का ब्रह्मचर्य पूरा हो चुका है। ऐसे ही आप मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ, मेरा मन शांत है, मेरी एकाग्रता बढ़ रही है, मेरा पढ़ाई में मन लग रहा है, लोग मुझे इम्प्रेस हो रहे हैं, मेरा काम सफल हो रहा है, जैसी बहुत सी अफर्मेशन का यूज कर सकते हो। याद रखना, अफर्मेशंस का प्रभाव देखना चाहते हो तो एक समय पर सिर्फ एक ही अफर्मेशन को कुछ दिनों तक दोहराए और दिन में भी आप चलते फिरते उस अफर्मेशन को दोहरा सकते हैं। इससे आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। अब हम कुछ अफर्मेशन मेडिटेशन करेंगे। आप आराम से आंखें करके बैठ जाए या लेट जाए और एक गहरी कर लंबी सांस लेकर छोड़ो। अब मेरी बोली बातों को दोहराएं। मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है। मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। मेरी ऊर्जा नियंत्रित हो रही है, मेरी ऊर्जा नियंत्रित हो रही है। मुझ में सकारात्मकता बढ़ रही है, मुझ में सकारात्मकता बढ़ रही है। मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। मेरा मन मेरे लक्ष्य में लग रहा है, मेरा मन मेरे लक्ष्य में लग रहा है। मेरी ऊर्जा केंद्रित हो रही है, मेरी ऊर्जा केंद्रित हो रही है। मेरा मन पवित्र हो रहा है, मेरा मन पवित्र हो रहा है। मुझ में दिव्यता बढ़ रही है, मुझ में दिव्यता बढ़ रही है। मेरा ब्रह्मचर्य मजबूत हो रहा है, मेरा ब्रह्मचर्य मजबूत हो रहा है। मुझ में सहन शक्ति बढ़ रही है, मुझ में सहन शक्ति बढ़ रही है। काम भावना कम हो रही है, काम भावना कम हो रही है। सकारात्मकता बढ़ रही है, सकारात्मकता बढ़ रही है। मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ। मेरा मन पहले से अधिक शांत हो गया है, मेरा मन पहले से अधिक शांत हो गया है। मैं खुशी का अनुभव कर पा रहा हूँ, मैं खुशी का अनुभव कर पा रहा हूँ। मेरी दिनचर्या सुधर रही है, मेरी दिनचर्या सुधर रही है। मेरी ऊर्जा नियंत्रित हो गई है, मेरी ऊर्जा नियंत्रित हो गई है। मुझ में ब्रह्मचर्य उतर गया है, मुझ में ब्रह्मचर्य उतर गया है। अब मैं ब्रह्मचर्य कर पा रहा हूँ, अब मैं ब्रह्मचर्य कर पा रहा हूँ। अब मैं ब्रह्मचर्य कर पा रहा हूँ, अब मैं ब्रह्मचर्य कर पा रहा हूँ। अब मैं ब्रह्मचर्य कर पा रहा हूँ, अब मैं ब्रह्मचर्य कर पा रहा हूँ। अब मैं ब्रह्मचर्य कर पा रहा हूँ। अब 20 सेकंड बाद आंखें खोल ले।